फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज रेखास किचन में मैं एक एपेटाइजर बनाने जा रही हूँ, वो है सेवन लेयर डिप। सेवन लेयर डिप बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है क्रीम चीज, माइल्ड साल्सा, आप हॉट साल्सा भी ले सकते हो, सावर क्रीम, गोकामोली। इसकी रेसिपी आप मेरी चैनल पे देख सकते हैं। रिफाइंड बीन्स, चेदर चीज, ब्लैक ऑलिव, चिपोटले मिक्स, इसकी जगह आप टाको सीजनिंग भी ले सकते हो। कटे हुए ग्रीन ऑनियन, सॉल्ट एंड पेपर। फर्स्ट हमें सेवन लेयर डीप बनाने के लिए रिफ्राइड बीन है, उसे हम थोड़ा सा पैन में सॉफ्ट करेंगे। उसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस उसे वार्म करना है। उसके लिए थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी। ऑयल अब हमारा थोड़ा सा वार्म हो गया है तो उसमें ये रिफ्राइड बीन में डाल दूँ। रिफ्राइड बीन को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा उसमें हम पानी डालेंगे तो वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। साथ में ये चिपोटले मिक्स जो है वो मैं हाफ टेबल स्पून डालूंगी। फिर हमें उसे अच्छी तरह मिक्स करना है, सारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए तब तक। अब हमारे जो रिफ्राइड बीन है वो अच्छी तरह वार्म होके सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं उसे गैस बंद करके साइड पे रख दूंगी, वो जब ठंडा हो जाए तब मैं उसे यूज़ करूंगी। अब डिप के लिए जो सावर क्रीम है उसमें मैं थोड़ा सा चिपोटले मिक्स डालूंगी। थोड़ा सा पेपर डालूंगी और थोड़ा सा सॉल्ट। सावर क्रीम में हमें ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है कि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट आता है इसी, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। सेवन लेयर डीप बनाने के लिए उसे स्प्रेड करने के लिए मैं एक के पर एक लेयर करूंगी, तो उसके लिए मैंने पायरेक्स का जो ग्लासवेयर है वो मैंने लिया है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फर्स्ट लेयर करूंगी वो है क्रीम चीज़ का। क्रीम चीज़ को ऐसे अच्छी तरह इवेनली स्प्रेड करना है, ये मैंने अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है तो फर्स्ट लेयर है वो मेरा अब रेडी। अब मैंने जो रिफ्राइड बीन है वो सॉफ्ट किया था तो उसे भी इवनली इसी तरह इस दूसरे लेयर पे स्प्रेड करूंगी। इवनली स्प्रेड करना है। अब हमारा जो थर्ड लेयर है वो है गोकामोली, उसे भी हम अच्छी तरह इवनली स्प्रेड करेंगे। अब हमारा गोकामोली का लेयर भी इवनली स्प्रेड होके रेडी है। अब मैं उसके पर सावर क्रीम का लेयर करूंगी, उसे भी इसी तरह हमें करना है। अब हमारा जो सावर क्रीम है उसे भी मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब मैं उसके पर साल्सा का लेयर करूंगी, उसे भी हमें इसी तरह ही स्प्रेड करना है। अब उसके पर मैं चेदर चीज स्प्रेड करूंगी। अब मैंने चेदर चीज भी इवनली उसके पर स्प्रेड कर दी है। अब मैं उसके पर थोड़े से ग्रीन ऑनियन स्प्रेड करूंगी।
अब हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है ब्लैक ऑलिव। उसे भी हम अच्छी तरह ऐसे रख देंगे। अब हमारा 7 layer डीप रेडी है, उसे हम 2 या 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर करेंगे। अब हमारा जो 7 layer डीप है वो मैंने 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट किया है, तो वो अब सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।